शांति। आप सब तपस्या के शौकीन बाबा के बच्चे हो, इसलिए तपस्या के लिए विशेष समय निकाल कर आए हो। आज थोड़ी सी बात करेंगे कि तपस्या का व्यवहारिक स्वरूप क्या होना चाहिए। हम लोग योग लगाते हैं, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं। गुप्त चीज है, दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा होता कि अंदर दिल में हम बाबा से कितनी प्यार भरी बातें कर रहे हैं। अगर हम भंडारी में भी धन डालते हैं, हम जाने बाबा जाने करके कोई दीदियों को मालूम पड़ता होगा, दो चार को और, गुप्त है ये भी। हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हम अन्न शुद्धि रखते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु ये सारी मेहनत मैं जानू बाबा जाने, गुप्त है सारी। इससे दुनिया को क्या मिला, हमारे संबंधियों को क्या मिला, परिवार वालों को क्या मिला। ज्यादातर तो लोग जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, हमारे परिवारों के भी बहुत बार हमारी इन धारणाओं से, हमारी इन बातों से परेशान होते भी नजर आते हैं। जरा नई बात सुना रही हूँ, इसलिए गौर से सुनना। घर में युगल में से एक पवित्र बना, दूसरे को इच्छा नहीं है, उसको क्या मिला, क्या मिला? असंतुष्टि, क्रोध। हमने शुद्ध अन्न खाया, बाकियों को अगर स्वीकार नहीं हुआ, उनको क्या मिला? हमारे से विरोध, और कुछ मिला नहीं। हमने अमृत वेला किया, हमारे परिवार के लोग डिस्टर्ब हुए, सोने ही नहीं देते हो। हम मुरली क्लास चल पड़े, इतने नाश्ता लेट कर देते हो, घर का काम नहीं ठीक से करते हो, वहीं बैठे रहते हो। हमने धन सेवा में लगाया, हमारे परिवार के लोग कहते वहीं दे आते हो। क्यों ये बातें सुना रही? रियल तपस्या किसे कहते हैं? कोई कोई ब्राह्मण भोले होते हैं, ये वाले दो चार काम करके ना समझते हैं हमने बड़े तीर मार लिए, शायद हम आसमान के तारे ही तोड़ लाए। ये तो हमने अपनी भूख मिटाई, खुद खा लेने की क्या बहादुरी होती है। मुझे भूख लगी थी, मैंने रोटी खाई, आपको क्या मिला? ये मेरी बहादुरी मेरे तक है ना, आपको तो तब कुछ मिले जब आपको भी कुछ खिलाऊं ना। तो इसलिए ये ज्ञान, ये योग, ये धारणाएं जो ये वाली हैं अपने तक है। लेकिन अभी हमें गौर करना है दुनिया वालों को क्या मिले, उनको चाहिए हमारा संस्कार परिवर्तन।
वो भले हमें बुरा भला बोलें तो बोलें, हमारा रास्ता रोकें तो रोकें, भले उनको अधिकार है। क्यों अधिकार है? उनको ज्ञान समझ ही नहीं आया, उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत हैं, वो अपनी जगह ठीक है। क्यों ठीक है समझ ही नहीं आया? समझ ना आना ड्रामा की गलती है, उनकी क्या गलती है? ड्रामा में उनका पार्ट है समझ ना आने का। उन्होंने क्या पाप किया जो समझ नहीं आ रहा? हम उनको दोषी ना माने तो अब हमें ध्यान देना है ऐसी आत्माओं की ओर कि उनको हमसे प्राप्ति हो। इसलिए हमारी तपस्या का व्यवहारिक स्वरूप सामने आना चाहिए। बहुत सारी माताएं भाई ये वाला सब कुछ अपना लेते हैं, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, ट्रैफिक कंट्रोल, नमः श्याम, भंडारी, सेवा, मधुबन, भट्टी। घर जाएंगे जैसे पहले डांटते थे वैसे ही डांटते हैं। माताएं जितना फैशन पहले करती थी अभी भी करती हैं, जैसे गहना कपड़ा मांगती थी अभी भी मांगती हैं, भाई लोग जैसे रोब मारते थे अभी भी मारते हैं। तो उन लोगों को क्या मिला? और आप कहते हो मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिल गया, और लक्षण दिखने चाहिए ना। इसलिए इन बातों की बड़ाई कभी मत मानो जो हमने अपने अंदर क्लींजिंग की है, अपना कमरा साफ किया है ना, पवित्र हुए, अन्न शुद्ध खाया, अमृत वेला किया, धन यज्ञ में लगाया, क्या किया? अपना ही कमरा साफ किया है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। अब तपस्या माना मेरे से ठंडक दूसरे को जाए, उसके चित्त को चैन मिले, इसके लिए बड़े बड़े त्याग चाहिए। ये सब छोटे त्याग मानो, अब इनको बड़ा मत मानना। अगर पवित्र बनने के लिए किसी ने गाली खाई है तो भी उसको बड़ा त्याग मत मानो। अब चाहिए विनम्रता, रूहानी प्रेम, और हमारी लौकिक जो आदतें हैं उनका त्याग। जो तेरा मेरा अपना पराया छोटे बड़े की भावना रख के हम व्यवहार करते हैं उससे, अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो डिससर्विस होती है। बहुतों के परिवारों से समाचार आते हैं, रोज सुनने पड़ते हैं हमको कि हमारा फलाना, हमारी फलानी आपके यहाँ तो आती हैं, यहाँ तो ओम शांति होती है, पर हमारे घर आके देखा करो। तो सच में दिल करता है हमारा सबके घरों में चक्कर लगाएं, रोज चक्कर लगाएं। दादी जान की ये वाला काम करते थे, अचानक मुरली क्लास के बाद कभी कहेंगे आज फलाने के घर जाना, अचानक, उसको प्रोग्राम नहीं दिया होता था। दादी ने खुद एक बार सुनाया था, किसी के घर गए और वो संकोच तो होता, दादी आ गए, दादी आ गए, ड्राइंग रूम में लेके जाए, दादी कहे नहीं घर में चक्कर लगाऊंगी, वो कहे दादी इधर भले आओ, इधर ना आना, क्यों उधर बेडरूम है, दादी कहे उधर ही जाऊंगी, और जाके देखा तो गीला टावल बेड पे पड़ा था। स्वच्छता ब्राह्मण जीवन का सार है, बेडरूम बिखरा पड़ा,
उठते ही चादर ही नहीं ठीक की है, ओढ़ने वाली चादर ही तय नहीं की है, फटफट पानी डाला ना के गए सेंटर। ये क्या देवताई जीवन होता है। स्वच्छता पहला धर्म। किचन में देखो झूठे बर्तन पड़े हैं। भाई ने रात को खाना खाया, थाली बेड के नीचे सरकाई सो गया, मोबाइल कान के पास पड़ा है। ये क्या लाइफस्टाइल होता है। ये योगी लाइफस्टाइल है। योगी लाइफस्टाइल ये नहीं है। मोबाइल आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए सोने समय, बाबा की याद में सोना है। मोबाइल पे बातें करते थोड़े ही सोना है। बेड की चादर चकाचक साफ, कमरा साफ, झूठा बर्तन साफ। भाई अपना झूठा बर्तन खुद साफ कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते है? क्या कहते हैं? उससे आपका भाईपना कम हो जाएगा? नहीं कम होता, माइंड ना करना। दादियाँ इस पर बहुत व्यवहारिक क्लास कराती थी। भाई अगर ज्ञान में है तो भी काम में हाथ बंटाओ, अपना काम करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता, कपड़ा होता है बस। शरीर तो कपड़ा पहना है ना। कभी भी जो युगल ज्ञान में चलते हो, लौकिकता की भाषा ना बोलो। मैं तेरा पति, मैं तेरी पत्नी ना, तू कह के भी नहीं बात करनी चाहिए। ये सब कुछ बाबा ने मुरलियों में सिखाया हुआ है। व्यवहार में दिव्यता धारण करो। कोई परिवारों में आपको रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं लंबे काल के अनुभव से ये बात कहती हूँ कि अगर आपके परिवार में कोई ज्ञान का कट्टर विरोधी है, आपकी धारणाओं का कट्टर विरोधी है, तो भी आपके दिव्य गुण उनका दिल जीत सकते हैं, उनको झुका सकते हैं। हमने अपना सारा खानदान झुकाया है, तभी बोलते हैं। भले ज्ञान में सारे नहीं चले, चलेंगे भी नहीं, सबका पार्ट नहीं होता है। भले हमारी वाली धारणाएं उन्होंने अपनाई नहीं, लेकिन व्यवहार को माथा टेका कि ये तो कल तक आग का अंगारा थी, झांसी की रानी थी, अभी तो बर्फ की सिल्ली हो गई है, हम देवी आ गई है, अवतार आ गई है, हम प्रणाम करते हैं। ऐसा चेंज आया। मैं अपने घर में प्रिंसेस कहलाती थी, राजकुमारी। बहुत जोरदार पालना हुई लाडली। कब काम करना क्या होता है नहीं जानती थी, परंतु बाबा का बनी सबका काम करने लगी। पहले एक मैं लड़ती थी घर के, बाकी लोग मुझे सहन करते थे, गुस्से वाली थी। अब बाबा का बनी तो वो सब लड़ते हैं, मैं चुप रहती। पहले कुकिंग आती नहीं थी, अब सबको बैठे बिठाए खाने की थाली पहुंचाती हूँ। नौकर काम करते थे तो भी घर की स्टिचिंग, कुकिंग, क्लीनिंग सब काम किया। अब सब कहने लगे ब्रह्मा कुमारियों ने पागल कर दिया, अच्छी भली थी, इतना सजती थी, ये करती थी, क्या फकीरनी बना दिया इसको, सफ़ेद सफ़ेद पहन के घूमती रहती है। हमारा भाई कहता था सफ़ेद भूत हमारे घर भेज दिया। वहाँ जाके दिमाग खराब हो गया, अब तो पढ़ाई छोड़ देगी, अब तो घर छोड़ के भाग जाएगी। उसी साल टॉप कर दिया पढ़ाई में, कहते अरे फेल तो हुई नहीं, ये घर छोड़ के भाग जाएगी। भागी नहीं, भाई की शादी हुई हमारे सामने, सारा काम किया, सारा किया। काम छोड़ने को थोड़े बाबा ने बोला, काम विकार छोड़ने को बोला। काम दबा के करने लगी, जो कभी ना किया वो भी करने लगी। सबसे पहले उठती हूँ, सबसे बाद में सोती हूँ। पहले तो कहते पागल पागल पागल,
कुछ किया नहीं था पहले तो, पागल ही है उनके लिए। और फिर धीरे धीरे कहने लगे, नहीं बहुत समझदार हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। हमारे फादर अपने दोस्तों को ले लेके आने लगे, देखो घर सारा क्या बना दिया इसने, पूरा घर सजा दिया साफ कर 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 के। बाजार की मिठाई आनी बंद हो गई, इतनी टोलियां बनाती थी। 16 साल की थी, छोटी आयु। तो बाबा ने कहा है कि मैंने आपको पवित्र बनने को कहा है, बाकियों से प्यार छोड़ने को तो नहीं कहा। प्यार इतना बढ़ा दो कि उनकी बातों को सहन करना बड़ा न लगे, क्रोध आए नहीं, सबकी गलतियां माफ कर दो, लोभ इतना घटा दो, सबसे कम खाओ, सबसे बाद में खाओ, चाहिए नहीं कुछ। कोई मेरा प्लॉट हड़पता है, कोई मेरा हिस्सा हड़पता है, देरानी जिठानी मेरे से ज्यादा लेती है, मेरा भाई मेरा हिस्सा लेता, ले जाओ जी, हमको भगवान पालता, कैसे हम जा सकते हैं कोर्ट केसों में, कैसे हम अपनों से लड़ाइयाँ कर सकते हैं, कैसे हम तू तू मैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम सारे धरती पर चलते फिरते शांति प्रेम के अवतार चाहिए, और ये काम हमारे प्रवृत्ति मार्ग वाले करेंगे। परिवारों से भगवान प्रत्यक्ष होना, परिवारों से। एक बार मुरली में आया कि बच्चे जाओ तुम सरकार को भी जाकर कह दो कि हम भी के अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। मुझे ख्याल आया, ऐसे सीन बना कि हमारा एक डेलीगेशन गया गवर्नमेंट के पास, बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सब प्रेसिडेंट, और हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम भी के अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। और सरकार के लोग कहते हैं ओके, मान गए, आप बनाओगे जी स्वर्ग ज़रूर, सैंपल दिखाओ। अगर सरकार के लोगों को हम बोलें जाओ हमारे यहाँ आने वाले सब परिवारों में चक्कर लगाओ, क्या आज सब परिवार स्वर्ग दिखाई देंगे? आधी रात भी आ जाए कोई, वो शुद्धि, वो शांति, वो अंदर पवित्रता, वो वातावरण दिव्यता का हमने बना लिया है। स्वर्ग का पहले सैंपल तो तैयार करें ना। हम बैज लगा के घूमते हैं जी, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम देवता बनने वाले हैं, ठीक है बनने वाले हैं, अभी क्या है, बनेंगे या बन के दिखा रहे हैं? कोई मेडिकल साइंस पढ़ता है जी, डॉक्टर बनने वाला है, प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है ना, कि पहले साल में इसको ये आ गया जी, तीसरे साल में तो अब इंजेक्शन भी लगा लेता है, छोटे छोटे ऑपरेशन भी कर लेता है जी, अब MD कर रहा है, अब तो सारे ऑपरेशन कर लेगा, MDS कर रहा है, जो कर रहा है, प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। हम देवता बन रहे हैं तो देवत्व दिखाई पड़ता है। कभी 4 बजे उठते, कभी 7 बजे उठते, कभी बहुत शांत रहते, कभी बहुत गुस्सा करते, कभी लगता है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, कभी बच्चे की जरा सी बीमारी पे रो रहे हैं, आए तो बा मचा रहे, ऐसे। तो हमें कुर्बानी देनी होगी, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप का नाम बचाना है, नहीं तो गलती हम करते हैं, नाम नाम सबको मालूम है, नाम बाप का लगाते लोग, वहां से यही सीख के आए हो,
वही गलतियां हम पहले भी करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। उससे छोटी गलती भी अब हम करें, अब हमारी माफ नहीं है। सफेद कपड़े पर दाग ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक माता बार बार आके हमको शिकायत करती थी कि मेरा युगल बहुत तंग करता है पवित्रता के लिए, मारता भी है, बहुत झगड़ा करता है, आज ये किया आज वो किया। और वो भाई पहले चला था ज्ञान में, फिर युगल भी चल पड़ी, वो धारणा में पक्की हो गई, भाई पीछे हटने लगा, फिर भी कभी कभी आता था। मुझे लगा मैं उसको समझा सकती हूँ, बुलाया, आ गया, दोनों जने इकट्ठे आए। मैंने समझाया, भाई ऐसे ऐसे बात है, बाबा आया है, पवित्र बनना है, अभी थोड़ा ही समय पवित्रता का भगवान को दान दो, वगैरह वगैरह। उसको समझ आ गया मेरी शिकायतें पहुंची हुई हैं यहाँ पर, तो कहने लगा, उसने स्पष्ट बोला, दीदी मुझे पवित्र बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर क्यों इतना झगड़ा? कहते हैं दीदी इससे पूछो। इससे क्या पूछो? कहते अपनी देरानी से इतनी जेलसी करती है, वो एक सूट लाती है ये दो लाती है, वो एक गहना लाती है ये चार लाती है, रेडी पर खड़े होके गोलगप्पा खाती है, अभी तक खाने में प्याज डालना बंद नहीं किया, फिर मुझे गुस्सा आता है, बाकी पवित्रता की बात क्या बोलती है। फैशन इतना करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, ये सब ठीक करे, मैं अभी इस क्लिक के देता हूँ, मैं पवित्र बनूंगा। तो ये अंदर घरों की बातें, सिर्फ एक धारणा से काम नहीं चलेगा कि आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। बाबा कहते वो तो इस ज्ञान की एबीसी का ए भी नहीं है, ब्रह्माचारी चाहिए। और अभी तक भी अगर किसी के ब्रह्मचर्य में भी कोई कसर है, वो तो फिर तौबा कर लेनी चाहिए, उसकी बदबूएं फैलेंगी चारों तरफ। बदबू फैलती है, जमाने भर को पता है कि जो भी के हैं वो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, और हम लोगों के कहें मैं बीके तो हूं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो नहीं ऐसे पवित्रता का कोई ऐसे परहेज हम नहीं करते। इसका मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरों को? विषय विकार अलाउड, वैसे हम देवता बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हम दृढ़ता धारण करते? फिर क्वेश्चन पूछने आते, दीदी मेरा ना योग नहीं लगता, आधार है उसका, आधार है इस धारणा को पक्का करो। बाबा तो नाम रूप भी अलाउड नहीं करता, किसी के शरीर पर सिर्फ स्त्री पुरुष या दैहिक रूप देखते हुए भी लगे ये बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, इसके साथ रहूं, बाबा उसकी भी अनुमति नहीं देता, तो विषय विकार तो बड़े दूर की बात है, पक्का करना होता है। अपने आप उसकी खुशबू फैलती है, फिर ताकत आती है, शांत मन, क्षमाशील, हर एक आत्मा के लिए रूहानी प्यार इतना बढ़ा दो कि सब गलतियां किसी की माइंड ना हो। याद रखना, काम विकार जितना खतरनाक है, क्रोध भी कम नहीं है। पवित्र गुप्त रूप में बने हैं, भले बाबा कहता है क्रोध वाले को पतित नहीं कहा जाता, परंतु क्रोध नाक कटाता है। बाप का, संस्था का, यज्ञ का नाम बदनाम करता है। बहुत लोग आजकल अपना समाचार भेजते हैं, हमने संस्था क्यों छोड़ी,
ज्यादातर आने वालों का क्रोध देख के छोड़ी। बाबा का बन गए 10 साल 15 साल 20 साल सेवा करते लड़ाई करते, ये क्या हुआ? फिर को हम जी 20 साल से पवित्र रहते हैं, नहीं काम विकार जीता नहीं है, दबाया है। जीता होता तो काम मरता तो क्रोध भी मर जाता है। एक भाई को एक दीदी बाबा के पास ले गई, साकार बाबा के पास। बाबा ये क्रोध बहुत करता है। बाबा ने कहा बच्चे ये भी काम विकार है। काम विकार सिर्फ विषय विकार नहीं, कामनाएं हैं, चाहिए चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं होना, कामनाएं होना, ये भी काम विकार का ही बच्चा है, उसी का अंश है। जिसके पास जितनी चाहिए चाहिए ज्यादा है ना, ये होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, मेरे बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, अंदर दबाई हुई है कामनाएं, और सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, असंभव। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, चाहनाएं पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, और क्रोध ये सिद्ध करता है कि हम भगवान से दूर है। क्रोध करने वाला 4 दिन ढंग से योग नहीं कर सकता, अंदर सारा ब्लड चेंज होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम चेंज हो जाता है। क्रोध करके ब्लड टेस्ट करा के आओ, पता चलेगा। हमारे यहाँ स्पार्क में टेस्ट होते हैं, चंडीगढ़ में योगा कॉलेज में हमने स्पार्क के साथ MOU किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन लोगों को 21 सेशन पढ़ाए, पहले भी टेस्ट कराया, बाद में भी टेस्ट कराया, रिपोर्ट बदलती है खून की। उन्होंने लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं किया, बैठ के सिर्फ मेडिटेशन के बारे में सुना सुना सुना, उतने से भी ब्लड रिपोर्ट चेंज हो गई। कोई क्रोध करके टेस्ट कराए ब्लड रिपोर्ट चेंज आएगी, कोई योग लगा के कराए चेंज आएगी। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने का मौसम है। बाबा ने बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होना है, इसलिए एक एक छोटी छोटी धारणा को भी बहुत महत्व दो। जो थोड़ा बहुत अशुद्ध अन्न खा लेते ना, थोड़ा वीडियोस देख लेते हैं, थोड़ी गप्पे लगा लेते हैं, थोड़े फैशन कर लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, ये जहर अंदर इकट्ठा होते होते बहुत सारी कामनाओं में बदल जाता है, और कामनाएं माया का सामना करने नहीं देती है। अरे हम ब्रह्मचारी बने हैं तो क्यों फालतू वीडियोस देखते, उसका भी त्याग करें। पवित्रता धारण की है तो फैशन का भी त्याग करें, पूरी पवित्रता हो जाए। अन्न शुद्धि धारण की है तो छोटा मोटा यहाँ वहाँ जो खा लेते हैं उसका भी त्याग करो। कभी आइसक्रीम खा लिया, कभी चॉकलेट खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी बाहर का ब्रेड खा लिया, वैसे हम किसी के हाथ का नहीं खाते ना जी, हम तो किसी के घर का भी नहीं खाते, चॉकलेट खा लेते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लोग भी हंसते हैं, पता नहीं कैसी अन्न शुद्धि है इनकी। कहते जी हम ऑटोमेटिक प्लांट का खा लेते हैं। अरे ऑटोमेटिक प्लांट में तो आजकल चपाती भी रेडीमेड आने लग गई, सब्जी भी आने लग गई, फिर तो सब कुछ खा सकते हैं। कहते जी मशीन का बना होता ना, मशीन विकारी नहीं होती, इसलिए मशीन का बना खा लेते। अरे भाई मशीन विकारी नहीं होती, पर मशीन योगी भी नहीं होती। हमने योगी के हाथ का खाना है, भोग लगा हुआ खाना है, एंडलेस है मशीन मेड, तो अपनी सीमा निर्धारित करो। बहुत दूषित वृत्तियां है संसार में, हम वो चीज़ नहीं खाते हैं, लोगों की दूषित वृत्तियां खाते हैं,
वृत्ति वृत्ति में जाके काम करती है, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट। जब खाना है भोग लगा हुआ प्रसाद खाना, याद में खाना है, खून बनता उससे, हड्डी मांस बनता अन्न से, फिर उसी तन में बैठ योग लगाना है, ठीक से भोग लगाओ, एकदम शुद्ध आहार। अरे लोगों की गाली खाते ही है, अन्न के पीछे पवित्रता के पीछे दो गाली और खा लो, पर ठीक शुद्ध खाओ। जो धारणा करनी है टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरी करनी है। अमृत वेला उठना है तो 365 डेज उठना है, मीन्स उठना है। ऐसे नहीं भट्टी में आए तो हम तो दोनों दिन अमृत वेला किया था, फिर जाके क्या करेंगे। अमृत वेला मीन्स सिर्फ उठना नहीं, अमृत वेला मीन्स बाबा से लाइट माइट रूप से मिलन मनाना, वरदान लेना, दिनचर्या के लिए युद्ध के मैदान में जाने के लिए अस्त्र शस्त्र लेना, क्योंकि सारा दिन माया के साथ ही युद्ध करना। भट्टी में आए हो, विजयी होने का संकल्प लेकर जाओ कि ये माया तुम मर गई हमारे लिए, है नहीं तेरा वजूद, हम तो अपने स्वर्ग में गए गए गए, तुम देखती रहो बस, अब चले हम, लंगर उठा दो। कुल मिला के जो जरूरत लगती है अभी तपस्या के व्यवहारिक स्वरूप में, वो है बेहद के वैराग की, वस्तु पदार्थ का त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग। बहुत बार कोई कोई से हम थोड़ी गहरी बात करते हैं ना, तो पता चलता है पुराने संस्कार क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इनसे लगाव लग गया है। कहीं बहुत गहरा जांच करके देखो, केवल वही संस्कार समाप्त नहीं होते जिनसे हमें लगाव है, हम उन्हें पसंद कर रहे होते हैं, ज़्यादा सोना एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा खाना, कहीं उसमें से रस ले रहे हैं। झूठा रस है किसी को क्रोध में दूसरे को नीचा दिखाने का रस आता है। हम पहले चेक करती थी, कोई दिन अगर एक को मैंने गुस्सा किया ना, मैं जांच करती थी, फिर दूसरे को भी करूंगी, तीसरे को भी करूंगी, चौथे को भी करूंगी, कि ये क्या हो रहा है। अंदर ज्ञान भी बोल रहा है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तुम शांत आ, फिर भी कर रही हूं। धीरे धीरे मैंने इस पर रिसर्च किया, क्यों कर रही हूं, गुस्सा मेरी शान बन गई है उस वक्त। अगर मैं एक को गुस्सा करके दूसरे के टाइम ऐसे मुस्कुराऊं, मुझे लग रहा था मेरी शान कम हो रही है, शायद मैं अकड़ अकड़ के ऊंचा बोल बोल के ये सिद्ध करना चाहती हूँ, तुम गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम सबसे, मैं ठीक। इस शान को छोड़ना पड़ेगा। एक बार भी किया, थोड़ा भी किया, सॉरी मान जाओ मैंने गलती किया, ओ नहीं करना चाहिए था, पाप है, पाप हो गया ना, जिस पे किया आई एम वेरी सॉरी। ये शान के नकाब उतार देने हैं। ये जो नकाब पहने हुए हैं ना, सबसे बड़ा त्याग आज के जमाने में मान शान का त्याग, मैंपन का त्याग। तू छोटा मैं बड़ा, तुम गलत मैं ठीक। कभी कभी यहाँ से माताएं भाई निकल रहे होते हैं ना, हम पीछे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं, कभी भी ग्रुप में निकलते क्या बातें बोलते,
छोटे से छोटे सेंटेंस में भी सिद्ध करना चाहते हैं तू गलत में टिकी। एक माता कहेगी उधर नहीं जाना, नहीं नहीं उधर जाना मेरे को पता, तू आ वहां भी मेरे को पता। वो कहती मेरे को भी पता, मैं पिछले साल भी आई थी, तुम इधर आ। नहीं मैं हर साल आती हूँ, तुम इधर आ, वहां भी मैं सवार है। इतनी छोटी छोटी बातों में चल, इधर से कह रही है एक जनी, मैं तो 100 बार आई होती तो भी चल पड़ती पीछे। अच्छा आप कह रहे हैं उधर से चल, चलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए ही सही। चलो आपको ये कह के खुशी हो रही है कि तेरे को रास्ता नहीं आता, अच्छा भले नहीं आता, चल तेरे साथ चलते, भले मुझे सारे रास्ते आते हैं पर तुम कह रही हो ना तेरे को नहीं आता, अच्छा अच्छा नहीं आता, चल तेरे साथ चल, दिखा दो मुझे रास्ता, दिखा। क्या हो जाएगा ये छोटे छोटे अभिमान के भूत उतार देंगे तो, उतार उतार फेंकने चाहिए ये मैं के भूत। घरों में स्वर्ग नहीं बनने दे रहे हम, पवित्रता की मदद चाहते हैं युगलों से, परंतु अपना मैंपन नहीं छोड़ते हैं। पवित्र बनो, उनको सम्मान दो। एक पवित्रता की बात मनवाने के लिए बाकी 100 बातें मान जाओ, झुक जाओ, मर जाओ, हर्जा कुछ नहीं होता। इस झुकने से स्वर्ग मिलता है। कल हमारे लक्ष्मी दीदी बहुत अच्छा पॉइंट सुना रहे थे, हमने सुना, कहते आशीर्वाद कैसे मिलता है, झुकने से मिलता। एक है फिजिकली शरीर झुका किसी के पैरों में, आजकल तो वो झुकना भी बड़ा सुंदर दीदी बता रहे थे, वो भी बात बदल गई है, पर रियल दिल से विनम्र हो जाओ। भक्ति में कहते थे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, अभिमान किसका करूं। एक राजा बहुत दान करता था, बहुत, और जब जब दान देता था जिसको देता था उसकी तरफ नहीं देखता था, ऐसे मुंह कर लेता था, ऐसे देगा ऐसे कर लेगा, लोग हैरान होते थे क्या करता है, बिन देखे देगा, ऐसे मुंह छिपा रहा है जैसे। एक बार कोई संत आ गए उसी लाइन में, राजा की ये एक्टिविटी उन्होंने देखी और हैरान हुए, उसके पास आके पूछते हैं, कहो राजा कहाँ से सीखे ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। राजा ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो, हाथ तो ऊंचा काम कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पर आंखें आपकी नीचे हो रही हैं, जैसे शर्म आ रही है, कर्म ऊंचा नैन नीचे, ये कहाँ से देन सीख के आए हो। राजा ने जवाब दिया, देन हार कोई और है, देन हार कोई और है, जो देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है जो दिन रात दे रहा है, लोग समझते मैं दे रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है। तो हम सब ने भी क्या किया, करण करावन हर बाबा। आज मैं 4 अक्षर ज्ञान के सुना दूं, यहाँ कहूँ मैं बहुत अच्छी क्लास कराती, अरे कहाँ से सीख के आई थी तुम अनीता, क्लास कराना, अगर बाप ज्ञान ना देता तुम कहाँ से सुना लेती, तो माल उधर से आ रहा, माइक लगा के मैं सुना रही हूँ, महिमा आए तो कहाँ जानी चाहिए थी। हम क्या करते हैं, उधर का माल इधर दे के महिमा का प्रॉफिट खुद खा जाते हैं।
तो ये भी तो कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ये जो आप सब में गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये तो प्रभु प्रसाद है, इसकी महिमा कभी स्वीकार न करो। फिर बाबा ने कहा, हंसी की बात सुनाता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि ये जो मेरा गुण या विशेषता है ना, ये तो ज्ञान में आने से पहले भी था, प्रभु प्रसाद नहीं है, पहले भी था। तो बाबा तो पूरा उस्ताद है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, आपकी भी ये विशेषता भले ज्ञान में आने से पहले भी थी, पर इसमें दिव्यता किसने भरी? आपकी विशेषता में दिव्यता तो भगवान ने भरी ना, तो उसकी दी हुई विशेषताओं की महिमा अगर स्वीकार करते हो तो कच्चा फल खाते हो, और कच्चा फल स्वादिष्ट भी नहीं होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं होता है, जी खराब करता है, सेहत खराब करता है। इसलिए समझदार योगी बच्चों को महिमा को ठुकराना चाहिए। सबसे समझदार वो, जहां महिमा मिलने लगे गुप्त होके भाग जाओ, क्योंकि महिमा कच्चा फल है। आज अगर मिल गई और स्वीकार कर ली, और कल को अगर नहीं मिली, सीधा डिप्रेशन में जाएंगे। आप अगर एक महीना यहाँ रहते हो सभी, और आप में से कोई जिना आके गीत गाता, सबने ताली बजाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब हर मौके उसको चाहिए मेरा गीत रखो। क्यों? ताली बजी थी, महिमा मिली थी। ये तो लाख रुपए मिलने से भी ज्यादा कीमती है। और समझो, अगली बार उसने गीत गाया, एक और ने भी गा दिया, दूसरे की ताली बहुत ज्यादा बजी, आपकी बजी ही नहीं, और ही दो चार ने कह दिया, क्या बेसुरा गाते हो, आपसे अच्छा वो गाते हैं, चढ़ गया बुखार, सारी भट्टी की खुशी गायब। इसलिए महिमा की गलियों में कभी मत जाना, बहुत गंदी गलियां हैं ये, जहां महिमा मिले समझ जाओ अभी उम्र नहीं आई है हमारी। अच्छा सुना, महिमा की गलियां आकर्षित करती हैं, परंतु जेल है बहुत बड़ी भारी, भगवान से दूर करती हैं। समझो आपने सामने बैठ के योग कराया, दीदी ने कहा भैया आज फलाने फलाने को बोलो योग कराना, दुनियावी उदाहरण नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम ज्ञानी योगी हो गए ना, रॉयल रूप से माया आती है। और किसी ने कह दिया, अरे आप तो योग में फरिश्ता लग रहे थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे चढ़े पड़े थे आप तो, हाँ भाई आज तो बाबा ने मुझे ऐसा खींचा, एक घंटा लगा एक मिनट में गुजरा। उसके बाद आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लंबा समय आपका योग महिमा से लगा हुआ, बाप से नहीं लगा हुआ। आप दृष्टि देते भी सोच रहे होंगे, ये सब दृष्टि लेने वाले देखना बाद में कहेंगे आपने योग बहुत अच्छा कराया, और अगर उन्होंने बोला ही नहीं उस दिन तो ऐसे लगेगा आज खाना नहीं मिला खाने का। कई माताएं बहनें गीता पाठशाला संभालती हैं, मिलाने ले आती हैं, दीदी इसको मैंने चलाया ज्ञान में, दीदी इधर आओ देखो इतने निकाले मैंने स्टूडेंट, 100
अच्छा भी तेरे बच्चे हैं ये, तूने पैदा की? हाँ दीदी, मैंने कोर्स कराया था, रोज मुरली सुनाती हूँ। और अगर उस माता को कह दिया ये वाली पाठशाला कल से तुम नहीं संभालोगी, तुम भंडारा संभालोगी, ये पाठशाला हम दूसरी माता को देते हैं, वो केस कर देगी क्योंकि उसके 100 बच्चे ले लिए आपने। ये आपने सेवा करके पुण्य जमा नहीं किया, कच्चा फल खा गए। एक बार बंदरों को दिल किया, हम बहुत सारे आम खाए, आम के बाग में चले गए, बाग वाले ने पत्थर मार मार भगा दिए। बड़ा गुस्सा आया बंदरों को, हम अपना बाग लगाएंगे। अच्छा कैसे लगाएंगे? इतना पता था कि गुठली डालो जमीन में तो आम निकलते हैं। सारे बंदरों ने गुठलियाँ इकट्ठी कर ली, खड्डे खोद दिए, उसमें डाल दी गुठली, मिट्टी भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, और हर बंदर हर खड्डे के पास बैठ गया। अभी निकलेंगे आम, अभी निकलेंगे, अभी निकले, अभी निकले, अभी निकले, निकले ही नहीं। बंदरों ने खड्डे खोदे, गुठलियाँ भी खा गए। कभी कभी ज्ञान योग के फल आने का इंतजार नहीं करते हम, कि देवता बनेंगे तो पूजा होगी ना। अभी हम उतने परिपक्व, उतने विनम्र, उतने योगी, उतने ज्ञानी, उतने सब बन तो जाए दादियों जैसे, इतना त्याग इतना सब कर तो ले, फिर होगी। अब भी महिमा मिलती है, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना माना ही, आम बनने की जरूरत ही नहीं है, गुठली खा गए। अब जो बंदर गुठली खा गया उसको आम का पेड़ कब मिलने वाला है? कभी भी नहीं मिलने वाला है। जो अभी के अपने छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे गुण, छोटी छोटी विशेषताओं की या महिमा डिमांड करते हैं या मिलने पर बहुत उसका वर्णन करते हैं, समझ जाओ उनका भविष्य खतरे में है। अभी खा लिया ना सारा कुछ। हम पंजाबी में इसके लिए कहावत बोलते हैं, माल माल कांदा मशहूरी कंपनी दी साडा की है। माल उस मालिक का, मशहूरी कंपनी की है। कौन सी कंपनी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसकी मशहूरी में लगे हुए ना हम सारे की अपनी। मैंने अगर एक सेंटर खोला है तो किसकी मशहूरी करूं? आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन जी की जय, ये मशहूरी करूं? या फिर मेरा बाबा आ गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान पढ़ाते हैं, मेरा वहां जाकर के जीवन बदल गया। या फिर ये मशहूरियाँ करूं कि श्री श्री 1008 अनीता बहन जी गुरु जी महाराज, ऐसे नहीं। मशहूरी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें ब्रह्मा कुमारी अनीता हो कि ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी हो कि ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन जी, कोई हो, विद्यालय की मशहूरी है। और वो हमारा सत्य धर्म है। यज्ञ का नाम रोशन होना चाहिए, यज्ञ के हैं हम सारे, मेरे कारण से, ऐसे नहीं मैं कहूँ लक्ष्मी दीदी छोटी, लक्ष्मी दीदी के अनीता दीदी छोटी, हम दोनों बहस कर रहे हैं, हम छोटे बड़े के चक्कर में विद्यालय का नाम गया। ये क्या किया अनीता, तुमने ये क्या किया? नहीं, मेरा भाग्य किस में बनेगा? घर में, घरों में जो रहते हैं, कितना भी झुकना पड़े सहना पड़े, एक कड़वा शब्द न बोलो, बाप का नाम बदनाम होता है। मेरे बाप ने मुझे जीवन दिया है, मैं उसके नाम पर इतना सा भी नहीं सहन कर सकती हूँ।
ये पक्का करना है, बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा मेरे द्वारा, भले मुझे मालूम हो बहुत बातों में गलती सामने वाले की है, परंतु अगर मैं रिएक्ट करती हूँ, नाम तो बाबा का जाता ना, भले सिद्ध हो गया मैं गलत था, सामने वाला गलत, सब कहे जा रहे तुम गलत तुम गलत। शांत, आज नहीं तो कल सच सिर चढ़ के बोलेगा, शांत हो जाओ, नाम नहीं बचाओ अपना, शांति और पवित्रता बचाओ। नाम बचाने के लिए मैं कुछ बहस करूं, लड़ाई करूं, विरोध नहीं चाहिए। अपना नामाचार करने हम थोड़े ही बाबा का बने थे, ये मैं पन आज परिवारों को स्वर्ग नहीं बनने दे रहा। जहां भी समस्या है, भले ये मैंपन हम लौकिक से लेके आए, अज्ञानी लाइफ से लेके आए हैं, परंतु सेवा में भी उसको यूज करते हैं, उसी मैंपन को, उसी मैंपन को हम योग में भी यूज करने लगे हैं, उसी मैंपन को हम धारणाओं में भी यूज करने लगे हैं, इसलिए ताकत घटती चली जा रही है, मेहनत बहुत करते हैं। बार बार पक्का करना चाहिए, गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थी के यहाँ नंबर बहुत ज्यादा है। ऐसा करूं कोई न जाने, हमारे यज्ञ में पहले ऐसा बहुत होता था कि ऐसा यज्ञ में धन दो, सेवा करो, जो एक हाथ दे दूसरा न जाने। गुप्त का भाग्य अधिक है, गुप्त पुरुषार्थी। अरे इतनी लंबी यात्रा है ये, राजयोग के द्वारा देह अभिमान की हड्डियां गलानी है। ब्रह्मा बाबा को 33 ईयर्स लग गया, जो सांसों सांस पुरुषार्थ कर रहे थे। हम सब की तो अभी हड्डियां नरम होनी शुरू ही मुश्किल से हुई है, उसका भी हम अभी फल स्वीकार कर ले नहीं। ऐसा नहीं चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझ बैठा मैं भी पंसारी हूँ। इंचार्ज दीदी भी मेरे आगे क्या है, मेरी बात सुनो पहले, मुझे भी 20 साल हो गए हैं ज्ञान में। अभी मैं एक स्थान पर भट्टियाँ कराने गई, टीचर्स बहनों ने एक समस्या सुनाई, हैरानी हुई हमको सुन करके। कहते बहुत सेंटर्स यहाँ हमारे ऐसे है जहाँ पुरानी बहनों ने शरीर छोड़े हैं, ज़रूरी बात है उसके बाद छोटी बहनें आएंगी। अब बहनें छोटी हो गई है और स्टूडेंट्स उसमें उन टीचर्स से पुराने हैं ज्ञान में, समझो समर्पित बहन 10 साल वाली और जिज्ञासु 20 साल वाला, वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। कहते बहन जी तुम कल की आई, हम बताते कैसे करो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्लास में झगड़ा करते हैं। ये सालों का सौदा है क्या, ये वर्षों की कहानियां नहीं है, ये समर्पण की कहानी है। आपको ज्ञान में चलते हुए 1 साल हुआ या 40, ये आपकी धारणाएं बताएंगी या आपका कैलेंडर नहीं बता सकता। बाबा तो कहते हैं यहाँ 7 दिन वाला बच्चा भी 40 साल वाले से आगे जा सकता है। यहाँ तो जिसने जितना अभिमान सरेंडर किया उतना वो आगे है, बाकी कौन आगे कौन पीछे बाहर से थोड़े दिखाई पड़ता है। ये तो अंदर की रेस है, सारी अंदर की रेस है। तो 500-500 के उनके दो उस जोन के ग्रुप थे, तो हमने उनको एक उदाहरण सुनाया जो भ्राता जी बहुत कोट करते थे यहाँ पर, कि चंद्रमणि दादी के आगे अगर कोई भी भाई बहन अपने टीचर की शिकायत लेकर जाते थे, ये भी एक कॉमन फैशन,
टीचर्स की शिकायतें लेके जाना बड़ों के पास, तो चंद्रमणि दादी ऑलवेज समर्पित बहन को फेवर करती थी जानबूझ के। दादी कहती थी, मानती हूँ भले ये वाला काम उसको नहीं आता, ये वाली बात में वो ठीक नहीं, चलो मानती हूँ। तुम कह रहे हो ना बहन जी ऐसे करती है, भाई उसके नाम लगा रहे, मान गई चलो, पर तुम शिकायत कैसे लगाते हो? तुमने जीवन समर्पित किया, उसने किया, वो माँ बाप छोड़ के आई है, उसने ये यूनिफॉर्म पहनी है, उसने जो जीवन का त्याग किया, शादी नहीं किया, तुमने किया, तब करना उसकी शिकायत, पहले तुम भी समर्पित होके दिखाओ। बैठिए भाई से। ओम शांति। आज आप सबको जैसे कि सूचना दी गई है, बहुत विशेष कार्यक्रम एक हमारे बीच होने वाला है, हमारे कुछ मेहमान और भी आने वाले हैं, और अभी हमारे बीच पधारे हैं ब्रदर डीपी गोयल जी, को चेयरमैन एमएसएमई कमेटी 40 गांव विकास परिषद, आप उसके चेयरमैन। हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं मंच पर निमंत्रण देती हूँ आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आप कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें, साथ में आदरणीय विजय भाई जी जींद से आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें, तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। आदरणीय विजय भाई जी का, आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभी कुछ ही देर में आदरणीय उत्तरा दीदी जी भी, पंजाब जोन चीफ, हमारे बीच पधारेंगे, और हमारे बीच अभी आने वाले हैं भ्राता महिराम कौशिक जी, और आप भाई हैं मोहनलाल कौशिक जी के, जो विधायक हैं बीजेपी के, आएंगे अभी विधायक के, जो विधायक आने वाले थे वो स्वयं नहीं आ पा रहे हैं, भ्राता मोहनलाल कौशिक जी, उनके भाई आएंगे, भ्राता
माहिराम कौशिक जी और साथी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच आएंगे। भ्राता जसविंदर सिंह दोधवा जी बीजेपी अध्यक्ष सोनीपत। तो जब तक ये हमारे बीच पधारें, हम दो मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति में एकाग्र होकर बैठते हैं एक सुंदर भजन के साथ। से भर